का हमको मौका मिला और हम धन्यवाद करना चाहते हैं हमारे राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का कि उन्होंने झारखंड बनने के बाद ये पहली बार है जब हमारी आधी आबादी, हमारी बेटियों, हमारी महिलाओं, हमारी बहनों के लिए एक सुंदर, एक क्रांतिकारी योजना लाई है और वो योजना है झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, जिसके उपलक्ष पर हमारी हजारों हजार बहनें यहाँ बैठी हैं और यहाँ पे लाभान्वित भी हुई हैं। ये आप सिर्फ राशि पे मत जाइएगा कि राशि हम 1000 रुपए दे रहे हैं, दूसरे लोग बोलेंगे 2000 दे रहे हैं। ये पहली बार ऐसा कदम है कि आधी आबादी को सम्मान देने का काम, उनको सशक्त बनाने का काम, उनको मानसिक रूप से ताकत देने का अगर काम किसी ने किया है तो हमारे झारखंड के यशस्वी आपके बेटे, आपके दादा ने किया है। और ऐसी सोच कौन रखता है? ऐसी सोच आपका अपना दादा रखता है, ऐसी सोच आपका अपना बेटा रखता है, जो ये जानता है भली भांति कि किस तरीके से तकलीफों का सामना करते हुए उनके परिवार के साथ। इस झारखंड में लाखों परिवार लोग हैं जो कहीं ना कहीं तकलीफ से गुजरते हैं। ये एक सम्मान राशि हमारी महिलाओं, दीदियों के लिए। और इसके साथ साथ झारखंड में आप सभी जानते हैं अभी हाल ही में हमारा जलसैया का कार्यक्रम हुआ था रांची में, हजारों महिलाओं को मानदेय बढ़ाने का काम, स्वास्थ्य कर्मी हो, पोषण सखी हो, JSLPS की लाखों बहने, अगर मैं बताना चाहूं 11,000 करोड़ क्रेडिट लिंकेज उनको उपलब्ध कराया गया है ताकि वो मजबूत हो सके और खुद भी मजबूत हो और अपने अगल बगल की जितनी महिलाएं हैं उनको भी मजबूत करे। ये सोच लाने वाले कौन है? ये सोच लाने वाले आपके अपने दादा हैं। ऐसी योजना बनाने वाले कौन है? ऐसी योजना बनाने वाले आपका अपना बेटा है। अगर हम सर्वजन पेंशन की बात करते हैं बुजुर्गों के लिए, महिलाओं, बड़ों के लिए, चाहे हम अबुआ आवास की बात करते हैं, चाहे हम बच्चों के लिए सावित्री बाई फूले की योजना की बात करते हैं, आठवीं कक्षा से लेकर के 12वीं कक्षा तक हम राशि देते हैं, कौन सोचता है ऐसा? ये समाज को शिक्षित होना होगा और इस समाज में हर वर्ग, हर जाति को शिक्षित होना होगा। बिना शिक्षा के आप आगे अपनी बातों को भी बुलंद तरीके से नहीं रख सकते।